वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। मैंने पहले पिछली जितनी भी दोनों वीडियोज़ अपलोड की हैं उसके अंदर मैंने मीठा ही बनाया है, तो आज जो हम बना रहे हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा चिकन ब्रेड बनता है। ये मैं अवन में भी बना रही हूँ और मैं पतीले में भी बेक करना बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो है हम लोग ड्राई ईस्ट लेंगे। ईस्ट का साशे मिल जाता है ईज़िली बाज़ार में से, तो इसको जो है हम वार्म मिल्क के अंदर मैंने इसको डाला। मैं हमेशा ये स्टेप पहले करती हूँ। मैंने अपनी वो पिनव्हील की रेसिपी में भी बताया था और एक और रेसिपी मैंने बनाई थी, मैंने उसके अंदर भी ऐसे ही बनाया है। और 1 टेबलस्पून शुगर, इसको दो तीन चीज़ों को डाल के आप एक साइड पे रख दें। और उसके बाद जो मैंने ये चिकन लिया था, चिकन बोनलेस चिकन है, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। अब मैं डो बनाने के लिए वो ईस्ट का एक वो बैटर वो मैंने तैयार करके रखा है। दूसरी तरफ मैंने जो है ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, 1.5 कप फ्लोर ले लिया है मैंने, आधा मैंने अंडा डाला था उसके अंदर। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, ना भी चाहें तो ना डालें, सॉल्ट डाल दें। और जो उसके बाद जो ये मैंने मिक्सचर बनाया है ये आप स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ईस्ट फ्लोर के अंदर भी डाल सकते हैं। मैं पहले भी बताया था, इस स्टेप करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी ईस्ट एक्टिव है या नहीं। ये दूध वार्म दूध के अंदर वार्म मिल्क के अंदर मैंने इसको डाला था, इससे जो है ना ये आपको मैंने दिखाया था स्वेल हो गया था। अगर तो ये स्वेल नहीं होता, फूल के ऊपर नहीं आता, तो इट मींस कि वो ख़राब है, उसको आप मत यूज़ करें। तो जब ये फूल जाता है तो इसका मतलब है कि ईस्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको सॉफ्ट गूंदना है। सॉफ्ट गूंदने के बाद ऑयल लगा के अब इसको ढक के गर्म प्लेस पर रख दें। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। मैंने वो जो चिकन है बॉईल कर लिया है मैंने चिकन को ना, और बाकी मैंने कटिंग करके रख ली थी। ये शिमला मिर्च है, स्प्रिंग अनियन है, दूसरा अनियन है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, और मींस गार्लिक मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया था, और केचप और क्रीम चीज़ डालूंगी इसके अंदर। 2 टेबलस्पून ये ऑयल ज़्यादा हो गया था, मैंने इसको निकाल दिया था। 2 टेबलस्पून ऑयल लेके आ गई है मेरी बेटी। 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल के इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। वहाँ पे जो मैंने डो वो राइज होने के लिए मैंने रख दी थी, उसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए उसको राइज होना मानो। चिकन मैंने इसके अंदर डाला और ये ऑलरेडी बॉइल्ड चिकन है, बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया था। बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर कोई सीजनिंग ऐड नहीं की थी। चिकन बॉईल करने के बाद मैंने अब इसको अच्छे तरीके से पहले इसको फ्राई कर लें ऑयल के अंदर। और उसके बाद जो है ये मैंने कैप्सिकम, एक पूरी कैप्सिकम मैंने छोटी छोटी सी कट की थी। उसके बाद ये प्याज है, ये आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ओमिट कर दें। और ये स्प्रिंग अनियन है, मीन्स इन दोनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं, मेरे पास था मैंने दोनों डाल दिए। और ये फिलिंग तो अपनी मर्ज़ी होती है, फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर सीजनिंग की है, सॉल्ट मैंने डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, ये सब आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है, रेड चिलीज डाली, क्यूमन डाला है, जो आप डालना चाहते हैं, जितना आप डालना चाहते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। और विनीगर, मुझे विनीगर थोड़ा सा अच्छा लगता है फीलिंग्स के अंदर, स्पेशली खट्टा सा टेस्ट आता है ना, तो इतना ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। और ये केचप मैंने डाली है। और क्रीम चीज़ चाहें तो आप इसी स्टेप पे डाल लें, या फिर मैंने जैसे बाद में उसको डो के ऊपर लगाया था तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता फिलिंग, तो इवन आपने कोई भी सालन बनाया हुआ है तो आप वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। जो लेफ्ट ओवर फ्रूट्स हमारे फ्रिज में पड़े रहते हैं आप वो फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिलिंग का कोई इतना इशू नहीं होता। वैसे मैंने काफ़ी डिफरेंट तरह की फिलिंग्स पिछली अपनी वीडियोज़ में सिखाई हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप पोटैटो की फिलिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, वो जो मैंने पोटैटो पिनव्हील्स बनाए थे उसकी फिलिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये अंडे के अंदर मैंने मिल्क डाला है, ये वाला जो है हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे। ये डो राइज हो गई है मेरी डो, मैंने इसको कवर करके कैबिनेट के अंदर रख दिया था तकरीबन हाफ एन आवर के लिए ना, उतनी देर में मैंने ये फिलिंग रेडी कर ली थी। तो अब ये जो है रेडी हो गया है। जब इस तरह से राइज हो जाता है फिर उसके बाद इसको दोबारा से पंच डाउन करते हैं, नीट करते हैं, एंड देन मैंने इसको जो है, अच्छा ये करने से पहले मैंने ओवन को प्री हीट किया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ ओवन। यस, ओवन जो है 180 डिग्रीज पे, ये ऊपर टेम्परेचर है इसका, ये नीचे इसकी ग्रिल है। आप नीचे वाली ग्रिल ऑन करना चाहते हैं या ऊपर वाली, और नीचे उसका टाइम है। मैंने 12 मिनट्स पे इसको सेट किया था, और ग्रिल मैंने नीचे वाली ऑन की थी, और साथ मैंने, क्योंकि मेरा कन्वेक्शनल ओवन है, मैंने साथ फैन ऑन किया था, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ऊपर वाली ग्रिल हम लास्ट 2 मिनट्स में कलर देने के लिए ऑन करेंगे।
अच्छा मैंने इसको बेल के बेलने के बाद ये क्रीम चीज़ है मेरे पास, ये आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, इससे इतना क्रीमी और इतना मज़ेदार सा टेक्सचर आ जाता है, तो दैट्स वाई मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। ये ब्रेड तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, काफ़ी सालों से बन रही है, तो चैनल मैंने अब बनाया था तो मैंने कहा वाइनआउट के इसको भी हम ऐड करते हैं अपने चैनल पे, इस रेसिपी को भी। ये तो वैसे पिछले 2 साल में तो ये वाली जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, इवन फेसबुक ग्रुप्स पे डिफरेंट ना ये वाली शेप काफ़ी लोगों ने बनाई थी। मेरे घर में तो खैर काफ़ी सालों से बन रही है और मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है। तो ये इस तरह से कटिंग करके जिस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, तो मैं जो पहले बनाती रही हूँ खुद घर में वो छोटे बनाती रही, छोटे साइजेस में ना। अच्छा ये जो मोटी मैंने मोटी कह रही हूँ ये रोटी जो मैंने बेली है ना ये इतनी मोटी नहीं है, मींस इतनी पतली भी नहीं है कि सब कुछ फट के बाहर आ जाए, तो इसको जो है ना बिल्कुल नॉर्मल आप देख सकते हैं उसकी कितनी मोटाई है, उस हिसाब से आप इसको बेल लें और उसके बाद इसके अंदर इवन चीज़ चाहे वो मोज़रेला चीज़ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऊपर से ये अंडा और जो मिल्क का मिक्सचर था ये इसके ऊपर लगा दें ताकि इससे बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये करने के बाद मैंने डिश ली ओवन की, उसको मैंने ग्रीस किया पहले ऑयल के साथ, ग्रीस करने के बाद अब मैं उसके अंदर इसको रख रही हूँ और इसको रखने के बाद हम ओवन में डाल देंगे वही जो मैंने आपको बताया था 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए इसको बेक करें और जो अगले 2 मिनट्स होंगे वो हम ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको कलर देंगे, तो वो 1-2 मिनट्स में कलर आ जाता है। एक और मैं उसी तरह से बना रही हूँ, ये उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है। इसके बाद एक और जो मैं बनाऊँगी वो फ्लावर शेप मैंने दी है स्टार्ट में जो मैंने आपको दिखाया था, वो उसकी कटिंग भी यहाँ पे मैं आपको बाद में इसके बाद बताऊँगी। अच्छा ये वाला जो हम बना रहे हैं ये हम पतीले के लिए बना रहे हैं, मैंने पतीला प्री हीट करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है और उसके बाद जो है खाली पतीले के अंदर जो है हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे उसको उल्टा करके रखेंगे। आप जो है कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, आप इवन चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो भी उसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मोल्ड को पतीले के नीचे नहीं हमने रखना, मोल्ड के नीचे कुछ चीज़ होनी चाहिए ताकि वो नीचे से ज़्यादा जल ना जाए। उसके बाद हम इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे, तकरीबन इसको 15 मिनट्स लगते हैं और ये पतीले में से रेडी हो जाता है। अब ये है एक सेकेंड शेप जो मैंने इसकी बनाई थी, ये भी मैंने ओवन में बेक की है। इस तरह से आप इसको लेयरिंग जो है आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ लें और ये एक फ्लावर बन जाता है और ये बहुत मज़े के बहुत डिलीशियस बने थे। ये 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखा तो ये रेडी है, मैंने 10 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था तो वो कलर ऊपर नहीं आया हुआ था। तो जो इसका ढक्कन है ना, ढक्कन के ऊपर आप तवा गर्म करके रखेंगे तो ऊपर कलर आ जाता है। तो ये हमारी ब्रेड चिकन ब्रेड रेडी है। आपको मेरी रेसिपी होप्स हो के पसंद आई हो, मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।